तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हैं अभी उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं। आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि हम लोग पांवटा साहिब से आगे विकास नगर में रुके थे, और उसके बाद में ये कैंप ऊंची धार करके एक सुंदर सा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ होम स्टे, होटल, आप कुछ भी कह लीजिए, बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर हम लोग ठहरे। इस जगह अगर आप आएँ तो यहाँ पर आप भी ठहर सकते हैं। इनके नंबर और डिटेल्स लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ पर हम लोग ठहरे, ये रूम मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त, हालांकि हम लोगों ने इसकी हालत ख़राब कर दी है। ये रूम है और इस तरह के यहाँ पर कई सारे रूम हैं। अगर आप कैंपिंग भी करें ना तो भी यहाँ आकर के ठहर सकते हैं। कैंप लगाने की खूब सारी जगह है नीचे की साइड में, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है, बहुत अच्छा। पास में गाँव है, खेत है, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। और खाना वाना रात को हम लोगों ने खा ही लिया था यहाँ पर, और अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो यहाँ से निकलेंगे। देखो सामान पैक कर लिया है। आगे एक साइड में झूला लगा हुआ है, यहाँ पर सिया और सियोन ने अभी झूल रही थी। 10:30 बजे का टाइम कर दिया। ये देखो ये जगह है जहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं, हिल व्यू रिट्रीट कैंप ऊंची धार। यहाँ पर जगह है खूब सारी, अगर आपके पास कैंप है तो भी रात में आप यहाँ पर अपना कैंप लगा के भी रह सकते हैं। इनके चलता ही रहता है भाई, खत्म ही नहीं होता पूरे दिन। मैं आपको ऐसे करता हूँ, पूरा ड्रोन व्यू दिखा देता हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर व्यू नजर आ रहा है। चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच के अंदर ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर बना हुआ है ये। आपका क्या नाम बताया? विपिन चौहान। विपिन चौहान, इनका ही है ये हिल व्यू रिट्रीट। रिट्रीट। यहाँ पर खुली जगह खूब बढ़िया, कोई आके कैंप लगा के रात में ठहरना चाहे तो ठहर सकते हाँ हैं। वो भी रुक सकते हैं, अच्छा बाकी अभी जो ये तीन जो बेस बने हुए ये डबल स्टोरी रूम बनने हैं। और अच्छा यहाँ पे और रूम बना हो गया। और इस लोकेशन का क्या नाम है? लोकेशन का नाम है ये चक्राता, की उसमें पड़ता है ये रास्ते में मार्केट। हाँ चक्राता, ये चक्राता और मसूरी के बीच का जो रास्ता जाता है हाईवे ये पड़ता है। उसमें चक्राता मसूरी के हाँ बीच में यहाँ पर हम लोग ठहरे, अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करेंगे, दही और पराठे। क्या चीज़ बनाई भैया? पराठे यार, नहीं है ना, चाय पीते नहीं, कभी कभी नहीं पीते चाय। ये हम लोग खाएंगे दही पराठे। अचार है बेटा, वही अचार चाहिए। और आप यहाँ से जैसे ट्रैक वगैरह भी लेके जाते होगे, इनका नाम अजय है, जैसे ट्रैक पे जाना हो हाँ किसी को, ट्रैक पे जाना हो कौन कौन से तो नजदीक में ट्रैक है? ट्रैक है, देवबन है और एक सरस्वती जगह पड़ती है, मोहिला टॉप है। मोहिला टॉप है, कई हाँ सारे हैं, बहुत अच्छे ट्रैक है। खूब सारे यहाँ पर ग्रुप आते हैं, उनको ये आप गाइड का काम करते हो, साथ में लेके जाते हैं ना। हाँ साथ में लेके जाते हैं। चलो भाई थैंक यू, बाय। कुत्ती शेर हो शेर जिसे बेटा, कुत्तो है, इसकी आंख में बताओ क्या हो गया। कुतियो नाम क्या? नील। खासी। चलो चलो चलो, बहुत जबरदस्त लोकेशन है भाई, देखो वहां पर हम लोग ठहरे थे। ये देखो ये है, और अब जो यहाँ से रवाना हो गए चक्राता, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है उत्तराखंड के अंदर चक्राता। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, वहां पर अभी हम लोग जा रहे हैं।
और ये रोड मसूरी वाली उस रोड के अंदर जाकर अभी मिलने वाली है, मसूरी टू चक्राता वाले रास्ते के अंदर। हम जिस होम स्टे में रुके थे ना, वो एकदम जबरदस्त लोकेशन, एकदम ऑन रोड ही था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे पहाड़ भी जबरदस्त है, तो मैं भी पहाड़ों के अंदर गाड़ी चलाना सीख रही हूँ। जो नीचे गाड़ी चलाते हैं ना, उनको मतलब ऊपर पहली बार चलाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, डर लगता है। मैंने भी डर लग गए, अभी इसका डर निकल रहा है धीरे धीरे पहाड़ों में। कुछ नहीं होता भाई, अभी मैं सिर्फ एक नंबर में चला रही हूं। डर ही होती है खतरनाक, ये खतरनाक कुछ नहीं होता, डर होता है, अज्ञानता ही डर का कारण है। ये भी होता है, पता नहीं होना, या वो चीज हमें जब आती नहीं है तब ऐसे लगता है पता नहीं क्या होगा, चीज आती है उसके बाद में नॉर्मल होता है बस, सिंपल कुछ। सॉरी ना करो, ये तो पूरे दिन लड़ती रह दे। बहुत ज्यादा गोलाई है और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो मैं एक नंबर में एकदम धीरे धीरे चला के अपना कॉन्फिडेंस वापस ला रही हूँ। वापस ला रही हूँ, कहीं खो गया था कॉन्फिडेंस? नहीं, नीचे तो मैं डर कौन लगे, लेकिन पहाड़ा में डर लगे नहीं, घोड़ा में मस्त एकदम धीरे धीरे चला के सीख लो। यहाँ पे धीरे धीरे गाड़ी एकदम पूरा ऐसे है कि हाँ मेरे कंट्रोल में है। फोटो ही दिखे, देखो हम लोग जहाँ पे रुके थे वो यहाँ से भी दिख रही है प्रॉपर्टी, ये देखो। राम 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 राम। आज है ना नेटवर्क नहीं मिला, ना वाईफाई था वहां पर अच्छे स्पीड वाला, तो इसलिए वीडियो आज लेट हो रहा है, पता नहीं। अरे बंदे, तो भाई अब मैंने जो वीडियो अपलोड किया है, यहाँ एक जगह पे दुकान पे मिला था वाईफाई कहीं वहां से, और फिर उसके बाद में सीवने के लिए दूध ले लिया, ये छाछ ले ली और सब्जियां ले ली खूब सारी शाम को खाना बनाने के लिए। और हम लोग जो चक्राता साइड में पहुंचने वाले हैं, 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो दे दे बंदे, दे मैं पी ले, पी ले तू, पी ले तेनू का समय के लाता के, तो एक एक ले आने पियो, कौन थे एक ले ही पियो। अभी वीडियो अपलोड हुआ है तब जाके इनको शांति मिली है। ए दही है, दही दही है, ये दोनों ही हमारी दही नहीं खाती है, और अभी छाछ नहीं छोड़ रही है, देख लो। अभी तो बोलती है पैकेट में बच्चों को कुछ भी दे दो, चीनी दे दे, ठीक है पी ले, लड्डू तू पी ले, डोल ना दी तू पी ले, तो तू पी ले, पी ले। ठंडो पे आ गया नहीं जलास चो, अल्लाह ठंडो, अल्लाह ठंडो, अल्लाह नहीं नहीं लेके भेज दे, बोलो मन तो एक ही कुछ को पी लिया, एक और है, तो एक और आप पी ले, बा मैं पी ले से एक और। ये यहाँ पे पीछे डेयरी से दूध लिया था, इसको गर्म कर रहे हैं अभी, और शिवन्या गाड़ी में सो रही है, इसको नींद आ गई, दूध पिला के फिर इसको पीछे वाली सीट पे सुलाएंगे, और ये यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। यहाँ से चक्राता लगभग 3 किलोमीटर आगे है, हम 3 किलोमीटर उससे पहले ये दूध गर्म कर रहे हैं। सुबह से हमें यहाँ पे एक डेयरी मिल गई थी, बाकी तो पहाड़ों में दूध बहुत मुश्किल से मिलता है, डेयरी मिल गई थी तो दूध ले लिया, और अभी गर्म करके और इस केतली के अंदर रख लेंगे, फिर पूरे दिन तक नहीं रात में भी यही पिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में ठंड है ना, तो दूध ख़राब तो होता नहीं है, एक बार गर्म करके रख लेते हैं फिर पूरे दिन पिलाती है, और रात को सोते टाइम भी पिला देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है और बहुत सुंदर सुंदर रास्ते हैं। ये दूध गर्म कर लिया भाई? कर लिया अभी कवन दाल। ये सिया को पिला रही है कसीना ने, सिउन्या ने, अच्छा सिउन्या ने पे कौन क्यों जो आपने टोपी पूरो 1 लीटर को है नहीं, 1 लीटर से इतना भी ज्यादा होता है नीचे गिरने लग जाता है। ऐसे रोड के किनारे चलते चलते हम लोग ऐसी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, साइड में थोड़ी सी जगह मिली है, दूध गर्म हो गया तो सीना को पिला देंगे।
अभी हम आ गए चक्राता के मार्केट में। मार्केट को देखते देखते जा रहे हैं। ये यहाँ पर बड़ा मार्केट है चक्राता। पहना ये ऐसे दुपट्टे बांधते हैं सर के ऊपर, सूट के ऊपर, तो एक मैं भी लेऊंगी। और अलग अलग कलर की है, मुझे ये रेड वाला अच्छा लगा तो ये लेऊंगी। कल मैं सूट पहनूंगी ना उसके ऊपर बांधूंगी। कितने का ये? 100 रुपए का जी। दे दो। ये इस ड्रेस पे नहीं बांधेंगे, सूट पे बांधेंगे। इस पे भी अच्छा लगेगा, इस पे भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी मैं कह रहा हूँ अच्छा लगेगा। ये लहंगा है। अच्छा ये है। चलता वैसे ही है, लगभग पानी। लहंगा है, लहंगे के ऊपर क्या है? अच्छा शर्ट। वैसे आपने पहन रखा, नया आएगा। फोन पे इतना नहीं करना वैसे। वो मैं करती हूँ। क्या लियो बता? लियो तो मैं स्कार्फ है, लेकिन ऐसा है घाघरो। हाँ। और ए घाघरो भी पहनती हूँ। अच्छा तो ले लियो कितने? तो घाघरो कितने? घाघरो के ले सी के। मेरे साइज का मिलेगा ड्रेस? वो लियो कितने? नहीं नहीं, मेरा मन तो बहुत कर रहा था लेकिन मेरे साइज का नहीं मिला। साइज का नहीं मिला? साइज का बहुत, बहुत सुंदर है, मेरे शॉर्ट रह रहा है, हाइट ज्यादा है। इसमें भी शो ही देगा मेरी और इसी ले हुई तुम। ऐसा घाघरा लेके आ रहे थे शारदा, ऐसा घाघरा। यहाँ पर क्या शर्ट के ऊपर भी ऐसा घाघरा पहन लेते हैं। और ये पिकअप लगी हुई है आसपास के जो गाँव है ना, गाँव में जाने के लिए कम लोग होते हैं तो छोटी गाड़ियाँ पिकअप ही चलती है, बड़ी बसें तो ज्यादा सवारी हो तब चले। मतलब वो बता रहे थे कि हम भी पुराने राजस्थानी हैं, मतलब हमारे पूर्वज वहीं से आके यहाँ पे, हमारे पूर्वज है ना वो आके यहाँ पहले सेटल हो गए। अच्छा बढ़िया हुआ, मारला ही वजह था मैं ही पड़ा बैठा था। यहाँ होते हैं ना उस जगह की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी वो दूर होती है। दूर से आते हैं ना तब ज्यादा होती है, और सब चीज जैसे अभी उनको राजस्थान की वैल्यू थी। मतलब इंसान का स्वभाव है, जो पास में होता है उसकी वैल्यू कम होती है, दूर जाते ज्यादा हो जाती है। जैसे घूमने की वैल्यू अपने लिए कितनी ज्यादा है, शायद सियासी होने के लिए इतनी ना हो। सही है। ये पता नहीं कोई गांव है, देखो ऐसे लेके जाते हैं पिकअपों के अंदर पूरा सामान डाल लिया। किलोमीटर में तो आप जाना मत, मीटर चेंज कराया था 1,12,000 किलोमीटर पे, उसके बाद में नया लगा पर पेट्रोल खत्म हो गया। हमारी शारदा जब ड्राइविंग करती है ना एकदम खाली करके छोड़ती है टंकी, तो गाड़ी तो ही चला दी नहीं, वीडियो देख लेते। गाड़ी में चलाई लेकिन पहले यहां अपन सिर्फ हरियाणा भरायो, दिन बाद हम भरायो तेल कटाई। नहीं सुबह में चले हो जो दो डंडा बता रहे हो, और मैं क्यों चक्राता में भरनो है, लेकिन तै गौर को निकरो भाई एक अलग बात है। मैं थोड़ी सी मैं चला चक्राता में गाड़ी थे चलावा फिर चलावा मैं चक्राता में भरया क्यों ना था के। हां तो वो तू ही दुपट्टो लेन के भूल गयो फिर। अब यहाँ पे ना पेट्रोल मिलेगा नहीं, कोई दुकानों के अंदर से बोतल लेनी पड़ेगी लीटर लीटर वाले, और वो भी एक नहीं 10-10 बोतल लेंगे, 10-10 लीटर लेंगे, तब जाके बात बनेगी। चलो मिल तो जाएगा, हम पहले सोच रहे थे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। यहाँ पर एक चीज और बताऊं, एक नीचे की साइड में टाइगर फॉल है, वाटरफॉल है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग सब उधर नीचे जा रहे हैं। उधर नीचे नहीं जा रहे, इधर नीचे जा रहे हैं, उधर तो ऊपर जा रहे हैं, रोड देख ऊपर लिए नीचे की कौन जा निचलिया रोड जाए चक्राता पाला थोड़ी जाए। हाँ हाँ रोड जाए। हाँ जाए तो ठीक है, इधर नीचे जा रहे हैं, ये तो होटल में जा रही तीन है मैं तो सिद्ध हुई है, तो टाइगर फॉल है कल देखेंगे, आज तो ठंड पड़ने लगी। मेरी ये शर्ट भी ऐसा है अंदर से छन छन के आ रही है जाली वाला है पूरा ही, तो कल देखेंगे वाटरफॉल। अभी चलते हैं जहाँ पर हमने एक गाँव के अंदर स्टे लिया है, वहाँ पर गाय का दूध मिल जाएगा, और पहुंचने से पहले कहीं बैठ के खाना भी बनाना है, तेल भी लेना है, तेल जाने के लेने के लिए वहां पर जाएंगे। सुबह से हम ज्यादा नहीं चले है, थोड़ा ही चले है, लेकिन ये रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि ज्यादा चलने का मन नहीं करता, ऐसे करते है धीरे धीरे चले और देखते हुए चले। हेलो, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। राधे। अरे तो देखिए पटक जी हो गया हमने मेरे का नहीं अजय परने नाउट जी डालने वाला किम्मा ले आओ तो भाई नहीं गिरेगा। आपको पता है राजस्थान में क्या रेट है पेट्रोल? क्या रेट है? 110 राजस्थान में भी पंप पे हाँ, और आप क्या रेट दे रहे हो? 110 दे रहे हम भी हाँ, तो हमारे तो वही रेट पड़ रही है।
सस्तो को नहीं, आपने बस आगे रेट पड़े, अब तो शायद 110 से कम है, पहले ज्यादा था, अभी कम होगी, गवर्नमेंट नई चेंज होगी ना, नहीं 105 हो गया, राजस्थान में भी कम कर दिया, पहले 110-112 तक चला गया था, जैसे ही चेंज हुई बीजेपी वाली आई तो 3 राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिए और 2 सेंट्रल ने किए। यहाँ नजदीक में पंप है नहीं तो हम लोग आपसे ले रहे हैं 10 लीटर पेट्रोल। ये ठीक है भाई, काम इमरजेंसी में थोड़ा बहुत रखते है ना गाँव में। उसके बाद में आगे आ गए मोहना गांव, ग्राम पंचायत। उसके बाद में गांव के अंदर हम लोग सामान लेके जा रहे हैं अपना। आप कहाँ जाके आए हो? हम जाएंगे। अच्छा, ये वही मोहना गांव है, करीब 100 मीटर पहले हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी है और गाड़ी खड़ी करके पैदल जा रहे हैं घर में, सचिन के घर में जा रहे हैं। एकदम छोटा सा गाँव है भाई साहब, सचिन गांव का एकदम मिडिल पॉइंट मंदिर है बेटा। वो भी ये गांव के अंदर मंदिर है कुल देवता का इनके, ये देखो यहाँ बना है गांव के अंदर होटल, गांव के घर तो ऐसे है। आजा, बारिश के अंदर यहाँ नीचे से जबरदस्त पानी चलता है। यहाँ पर हम लोग ठहरे हैं, अगर आपको आना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप आ सकते हैं, रुक सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इनके खेतों के अंदर से अभी हम लोग हरा धनिया तोड़ने वाले हैं। हमारे तो है ना अभी गर्मी आ गई ना तो धनिया नहीं लग रहा है, क्योंकि गर्मी में नहीं लगता, ठंडा ही रहता है। यहाँ पे नहीं पड़ती ना फैन की जरूरत, ये हमारी शुभ जर्नी वाले खिचड़ी बना रहे हैं। हम अपनी खिचड़ी के अंदर क्या करते हैं, सारी सब्जियां डाल दी एक साथ, बस सी आठों खड़ी हुई दिन बैठ क्या पानो नहीं रही उठा बैठ हुआ। हाँ, सब्जियों का छौंका लगा दिया और ये है दाल चावल और ये हल्दी और ये नमक, मिर्ची नहीं डाल दिया। हाँ, मिर्च डाल ली नहीं है। ताता है खुलने में काम बढ़िया है, कुछ भी नीचे गिर जाए तो कोई ग्रस होने नहीं है। ये खिचड़ी है लगभग पक गई, थोड़ी सी बची है, खिचड़ी बन रही है और हम यहाँ पे बैठे हैं। आज हम जिस जगह पे आए हैं ना, यहाँ पे थोड़े हम उजाले में पहुँच गए थे, ये देखो। और थोड़ी ठंड भी ठीक ठाक है, मतलब अभी शाम के टाइम में भी अच्छी खासी ठंड है। और बैठे बैठे सिया की मेहंदी लगा दी, ये अब लाल लच्छा की है ऊपर ऊपर। हाँ, ऊपर ये खिचड़ी बन गई, धनिया डाल देंगे। शिव ने और कुछ खाती नहीं है तो इसके लिए बनानी ही पड़ती है रोज। अभी शिवन्या के लिए खिचड़ी बना ली, शिवन्या को यहीं बैठ के खिला रहे हैं। अब भाई हम लोग जो खाना खाते हैं वो तो भूल गए, गाड़ी के अंदर ही भूल गए, क्योंकि आज हम लगभग 100 किलोमीटर दूर चल के आए थे। 100 मीटर 100 किलोमीटर दूर है, मतलब 100 किलोमीटर तो पूरा गाड़ी से भी नहीं चल के आई, मतलब 100 मीटर दूर है, तो थैले हाथ में लेके आने थे तो हम कम कम सामान लेके आए थे। कोई बात नहीं, इसी में खा लेते हैं। खा लो, हमारी शुभ जर्ने वाली खिचड़ी तैयार है। आजा आजा बेटा। और एक काम करना, आप शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बात करेंगे। और स्टार्टिंग में जितनी जल्दी जल्दी आप जो कमेंट करते हैं घंटे आधे घंटे को, सारी कमेंट में पढ़ता हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ। कल यहाँ से आगे चलेंगे और इस लोकेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल से बताएंगे आपको। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, कमेंट में कर दें राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम।